अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बड़ी ही अहम एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब की स्ट्रेटजी है वो कैसे वर्क करती है। ये जो एक मैं आपको मिस्टेक दिखाने जा रहा हूँ आज, आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप सीरियसली यूट्यूब को लेके चल रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। अगर आपने ये मिस्टेक की, आपके पैसे भी कम बनेंगे और आपकी जो वीडियो जो वायरल हो रही है मार्केट में या यूट्यूब के जो ब्राउजिंग में या सजेस्टेड में, वो बिल्कुल लो हो जाएगी। इसमें ये होगा कि आपके यूट्यूब में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो काम की नहीं है, आप उसको फिर छोड़ ही दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे आप ग्रो नहीं कर सकते कभी। अगर आप ये वर्क नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते इसे। तो अगर आपने इसमें से छोटी सी एक मिस्टेक है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आपने वो रिवाइज किया तो आपका चैनल क्या समझो बिल्कुल डीमोनिटाइज भी हो सकता है उसमें, और आपकी एनालिटिक्स में आप देखेंगे व्यूज भी कम हो जाएंगे, आपकी रीच बहुत कम हो जाएगी। वो मिस्टेक क्या है, आप जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं मिसाल के तौर पर, वो आज डाली आपने, फिर मूड बनाया यार आज नहीं डाल रहे, वो कल डालेंगे, तो ये आपने जो सीन है ना जी आप खत्म कर दें। क्योंकि अगर आपने अगर ऐसा किया तो आप तो फिर यूट्यूब चैनल गया, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रूफ दिखाऊंगा आज। तो वो प्रूफ क्या है जिससे बिना मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये चैनल कैसे आप खत्म हो सकता है, उसकी रीच कैसे खत्म हो सकती है। तो बिल्कुल मैं आज आपके साथ प्रूफ शेयर करूँगा, मेरे मोबाइल में है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखते हैं कि वो ऐसा ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से वो चैनल मतलब के रीच जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आखिर वो मिस्टेक है क्या। आप ये चैनल देख रहे हैं नोमैड शुभम, ये क्या है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज में विजिट करता रहता है। वो आप देख रहे हैं कि इनकी वीडियो जो हैं, कोई भी 2 महीने पहले की हम अगर मिसाल लें, जापान में ही गया हुआ था बंदा, यहाँ देखें 2 महीने पहले 4,80,000, 7,58,000, 9,98,000 इनका चैनल जो है ग्रो करता गया, 2.4 मिलियन, फिर इन्होंने देखा 1.6 मिलियन, 7,84,000। आप इनको देख रहे हैं कि मतलब कि मिलियन से कम कोई बात ही नहीं है, 7-8 लाख इनकी वीडियोस पे व्यूज हैं। लेकिन इन्होंने कहाँ मिस्टेक की मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, ये रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला बंदा था, ये मुख्तलिफ कंट्रीज विजिट करता है और उनके हवाले से डिस्कस करता रहता है कि मैं कहाँ घूमा हूँ, कहाँ क्या सीन है, ठीक है। तो इन्होंने मिस्टेक कहाँ की, ये 1 महीने पहले की वीडियोज हैं, 4 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ जो गैप किया, ठीक है, 4 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते का गैप किया इन्होंने, 1 महीने के बाद। अब इनकी जो डेली की जो रूटीन थी अपलोड करने वाली वो स्लो हो गई, उनमें क्या हुआ, अब इनके व्यूज़ जो हैं बिल्कुल कम हुए, 1,69,000, 2,15,000, 1,66,000, 3,56,000, 1,94,000, 1,98,000, बस 2 लाख से क्रॉस कर ही नहीं रही। इन्होंने मिस्टेक ये की थी कि इन्होंने गैप दे दिया था कि वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो गैप नहीं हो, गैप देने से ये होता है कि हालांकि कोई वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान बीमार हो जाता है या कोई नहीं कर सकता, मजबूरी की हालत में नहीं कर पाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैप 1-2 दिन का आ ही जाता। तो मेरी भी कोशिश होती है कि 1-2 दिन का गैप से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन का गैप रखें, इससे ज़्यादा अगर आपने गैप रखा तो आपकी वीडियो की रीच कम हो सकती है, हालांकि 1 दिन में भी हो सकती है। तो कोशिश करें वीडियो अपलोड की टाइमिंग जो है ना वो बड़े माने रखती हैं, वो किस टाइम पे आप अपलोड करते हैं, और डेली रखते हैं तो डेली किस टाइम पे आपने अपलोड करना है, क्योंकि आपको पब्लिक जो आपकी जो सब्सक्राइबर हैं वो आपका वेट कर रहे होते हैं कि भाई जो हैं कब वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि उस टाइम पे वो चेक कर रहे होते हैं कि इनकी वीडियो जो आने वाली है। मोस्टली व्लॉगर्स जो हैं उनकी टाइमिंग फिक्स होती है, क्यों, लोग फैमिलीज के साथ बैठ के उनके चैनल देख रहे होते हैं कि इनकी जो इनका नेक्स्ट व्लॉग होगा किस टाइम आएगा, और बच्चे या बच्चों का चैनल है वो वेट कर रहे होते हैं कि अगर सुबह का टाइम है स्कूल जाने से पहले कार्टून देखते हैं तो वो सुबह के टाइम पे ही अपलोड करते हैं, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर लगे। उसमें क्या होता है कि यूट्यूब आपकी जो एनालिटिक्स को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, वीडियो को और अपलोड करने की टाइमिंग्स को देखते हुए आपकी वीडियो को और आगे वायरल कर देता है और रीच बढ़ाता है। इससे ये होगा कि आपके चैनल जो है मोस्ट वायरल होता रहता है। तो
उम्मीद है ये आपको ट्रिक समझ के आ गई होगी। और नोमैड वाले जिस मैंने आपके साथ शेयर की आज, और उनके साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गैप दे दिया और आपकी जो रीच जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका चैनल जो है वो टूट के गिर जाएगा, तो बिल्कुल वायरल होने में फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।